व्हाट इफ पाकिस्तान में एनिमल रिलीज होती, तो भाई इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई इसके वीडियो पे रिस्पांस देखेंगे, अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो यानी कि ऑडियंस चाहती है पाकिस्तान की कि भी पाकिस्तान में इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवी रिलीज हो। तो अगर इस पर रिस्पॉन्स आया तो इस पर आगे भी हम बात जरूर करेंगे। तो भाई आज की हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि क्या एनिमल मूवी को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, या बॉलीवुड मूवीज को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। अब नेगेटिव तो यही है कि यार हमारे थोड़े से रिलेशन इस तरह के थे जो कि तकरीबन स्पोर्ट्स में भी खराब है, हर चीज में खराब है, तो इसकी वजह से भी है। अब नेगेटिव ये है कि यार उनकी यहाँ चलती रहेगी तो हमारी इंडस्ट्री पे एक नेगेटिव ये पड़ सकता है, सिर्फ एक नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव ज्यादा होंगे। एक नेगेटिव ये है कि पब्लिक ज्यादातर वहां भागेगी, लॉलीवुड की मूवीज की बजाय, पाकिस्तानी मूवीज की बजाय बॉलीवुड की मूवीज की तरफ भागेगी। लेकिन इसी के अंदर ही पॉजिटिव यहाँ पे निकल के ये आता है कि हमारी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो भी देखेंगे और वो भी सोचेंगे और वो भी कुछ अच्छी चीज़ें हमें देने के लिए सोचेंगे और कुछ बड़ी बड़ी मूवीज देना चाहेंगे। जैसे कि अभी लास्ट टाइम द लेजेंड ऑफ मौला जट कितनी बड़ी हाइप बनी थी और उमरो अय्यार अपकमिंग बड़ी मूवी है जिसकी वजह से आप देखें भाई बड़ी मूवीज पाकिस्तान में भी चलती हैं, बेशक वो पाकिस्तान भी क्यों ना हो, उसका ये भी बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। अगर वहां पे फिल्म चलती रहेंगी तो भी लोग सिनेमा में आते रहेंगे, उनको यह कि वहां पे पोस्टर पाकिस्तानी फिल्मों के लगे होंगे, उन्हें पता होगा यार ये पाकिस्तान फिल्म रिलीज हो रही है, ये भी रिलीज हो रही है, ये भी रिलीज हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो बॉलीवुड की भी देखेंगे, पाकिस्तान की भी देखेंगे, तो कंटेंट पाकिस्तान में भी कंटेंट जो है मूवीज का कंटेंट वो बहुत अच्छा बना जाएगा। अभी तक ड्रामे हम अच्छे बना रहे हैं लेकिन हम मूवीज की तरफ अभी हम बहुत अच्छे नहीं गए, चंद एक दो मूवीज ही हैं, दो चार मूवीज हैं जो हमने बहुत अच्छी बनाई हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये लॉलीवुड की फिल्म है, बाकी तो हमने फजूल चीज़ें करके सारा बर्बाद किया हुआ है। देखे ना, कई अरसे से पाकिस्तान की कोई मूवी नहीं रिलीज हुई, इस महीने 3 मूवीज रिलीज हो रही है और हमें पता ही नहीं है कई सारे पाकिस्तानियों को कि भी कोई मूवी भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा तीनों मूवीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, तीनों के तीनों इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एड्स वगैरह चला रहे हैं जिस वजह से कुछ ना कुछ लोगों को यह है कि पता लगेगा कि यार फिल्म कोई ना कोई पाकिस्तानी फिल्म है जो रिलीज हो रही है। वैसे अगर हम बात कर लें कि अगर एनिमल मूवी पाकिस्तान में रिलीज होती तो कितना कलेक्शन करती, वैसे ये आपको बता दूं कि ये जो मैं कलेक्शन आपको बताने लगा हूँ ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी बॉलीवुड फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो फिल्म और कोई नहीं, वो रणबीर कपूर की फिल्म संजू थी। जी हाँ जी, संजू फिल्म जो कि संजय दत्त की बायोपिक थी, उसके ऊपर जो कलेक्शन आया था यहाँ पाकिस्तान में वो तकरीबन 30 करोड़ से ऊपर का था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा लेकिन 30 करोड़ से ऊपर था, 35 करोड़ तकरीबन था यहाँ पे कलेक्शन और वो बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन था। और हाँ, अगर एनिमल पाकिस्तान में अगर रिलीज होती तो वो 40 से 50 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान से कर सकती थी, ये बहुत बड़ी चीज होती। और अब आप भी अपना ओपिनियन बता दो जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या यहाँ पे रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहोगे जरा रिस्पांस अच्छा आएगा वीडियो को तो हम और भी बनाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करें।